तो आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के ऊपर, और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में उसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जो आज का वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि भाई रोटेशनल मोशन क्या बला होती है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, आपको वो चीज़ बताने वाले हैं जो एक बार आपको समझ में आ जाए तो शायद आपको रोटेशनल मोशन परेशान नहीं करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस प्लेलिस्ट में इसके बाद वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो अब अगर आप देखो, हमने अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है वो प्योर ट्रांसलेशन मोशन है, वो पढ़ा हुआ है, यानी कि इस तरह का मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है ताकि स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम है दो एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस रेफरेंस फ्रेम को एक ऑब्जेक्ट पे ऐसे चिपका देता हूँ। अब जब तक आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है ताकि जो आपने रेफरेंस फ्रेम चिपकाया है इसके, वो ओरिजिनल रेफरेंस फ्रेम के पैरेलल रहे, हमेशा पैरेलल रहे, जैसे मर्जी मूव करे, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है। लेकिन जब तक ये आपका एक्सिस जो है पैरेलल रहता है, वो होता है प्योर ट्रांसलेशन मोशन का केस। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन के केस में अगर आपने नोटिस किया हो, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भी मोशन के लिए ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाए, वो सेम जगह पर रह सकता है और तब भी मोशन हो सकता है, जैसे यहां पे हो रहा है। लेकिन इस केस में अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो एक्सिस है वो इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है इस एक्सिस के मुताबिक, और ये मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। और रोटेशनल मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, नमूना, ये चक्का, ये व्हील, ये पहिया है। जैसे आप देख सकते हो कि भाई इस केस में व्हील जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जो ओरिएंटेशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुए जा रही है। सेम एक्सिस हमने दोबारा इसके ऊपर लगाया है, लेकिन इस एक्सिस की ओरिएंटेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुए जा रही है। तो ये जो हमने केस अभी देखा है, ये केस है प्योर रोटेशनल मोशन का। कुछ बातें ध्यान में रखने वाली। पहली बात, अगर आप देखो, जहां से मैंने इसको यहां से पकड़ा हुआ है, अगर मैं सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करूं, ऐसी वाली एक लाइन ड्रॉ करूं, तो हर एक पार्टिकल यहां पे, फॉर एग्जाम्पल हमने दो पार्टिकल यहां पे डिपिक्ट किए हुए, ठीक है, हर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करेगा, और सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे होगा, इस वाली लाइन पे होगा, जैसे आप देख सकते हो। और जिन सर्कल्स में ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उन सर्कल का प्लेन जो होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल इन दो पार्टिकल्स के सर्कल का प्लेन ये वाला है, जो प्लेन होने वाला है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और पार्टिकल जो पीछे है, उसका प्लेन ऐसे होगा, इसके पीछे होगा। तो प्लेन्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्लेन होने वाला है वो हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और दूसरी नोट करने वाली बात यह कि भाई जो सेंटर में आपका पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा, जैसे आप देख सकते हैं बाकी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में पार्टिकल है वो स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो अब ये जो लाइन आपने सेंटर में से खींची थी, जिसके इर्द गिर्द, जिसके अराउंड हर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमने केस अभी देखा वो क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन का केस है। और सेम चीज़ को हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने तीन पार्टिकल कंसिडर किए हैं, पार्टिकल वन, पार्टिकल टू और पार्टिकल थ्री। पार्टिकल वन जो है वो छोटे सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन सेंटर जो है उसका, सर्कल का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। आपका दूसरा पार्टिकल जो है वो एक बड़े सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन उसका भी सर्कल का सेंटर जो है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, ठीक है। गौर करने वाली बात यह कि भाई इन दोनों पार्टिकल्स का अगर आप प्लेन देखो, वो अलग अलग प्लेन है, लेकिन प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के। और तीसरा पार्टिकल जो आपका पार्टिकल थ्री जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई कर रहा है, सेंटर में लाई कर रहा है, और वो मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये वाला केस होता है प्योर रोटेशन का, जहां पे हर एक पार्टिकल बॉडी का वो एक सर्कल में मूव करता है, और उस सर्कल का प्लेन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो अब आता है प्योर रोटेशनल मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्योर रोटेशनल मोशन के लिए जो आपका एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है ये बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, ये बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। ये वाला केस होगा प्योर रोटेशनल मोशन का। अगर आपका एक्सिस मूव करना लगे ऐसे या फिर ऐसे, राइट, तो ये वाले केसेस प्योर रोटेशनल मोशन के नहीं होंगे। तो अब ये जो प्योर रोटेशन वाला केस है, जहां पे आपका एक्सिस है वो फिक्स रहता है, मूव नहीं करता, ये सबसे आसान, सबसे सिंपल केस है रोटेशनल मोशन का, और हम काफी देर तक इस प्लेलिस्ट में इस केस के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो अब चाहिए जो फिक्स एक्सिस वाला केस है रोटेशनल मोशन का, ये बड़ा ही सिंपल केस है, लेकिन ये बड़ा ही बोरिंग बोरिंग केस है ये। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, आपकी लाइफ में थोड़ी मस्ती, थोड़ा कलर, थोड़ा रंग लाने के लिए हम लोग दो और केसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन में। तो कुल मिला के तीन केसेस की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जब तक आप इन तीन केसेस को अच्छी तरह से समझ सकते हो
और इन तीन केसेस में फर्क बता सकते हो, ताकि जब आपको कोई प्रॉब्लम दी गई हो तो आप क्लियरली देख के बता सकेंगे भाई तीनों में से कौन सा केस लागू होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको रोटेशनल मोशन परेशान नहीं करेगा। और दूसरा केस जो हम इस प्लेलिस्ट में देखेंगे वो होगा केस जहां पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं है स्पेस में, स्पेस में वो मूव करेगा। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चलती हुई गाड़ी का पहिया या फिर व्हील। तो ये आपका व्हील है गाड़ी का और ये गाड़ी आगे मूव कर रही है, तो देख सकते हैं आप ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो ये होगा हमारा दूसरा केस। इस केस को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा भाई ये वाला केस जो है ये तो दाल मोड़ का केस है। यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन का मिक्सचर है, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन है इस मोशन में। जैसे आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। और इस मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। और इस मोशन को हम लोग बड़ी ही क्लेवरली, बड़ी ही चतुराई से सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसका ट्रेलर आपको जल्दी से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास रोलिंग मोशन। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, जो व्हील जो चक्का है वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तब हम क्या करने वाले हैं, एक पार्टिकल लेंगे, एक पार्टिकल जो बिल्कुल इसके नीचे है। तो जैसे जैसे ये रोल करेगा व्हील, इस पार्टिकल का पोजिशन जो है वो नोट करेंगे हम लोग, और जो पाथ ये ट्रेस करने वाला है रोलिंग में वो ड्रॉ करेंगे हम। तो एक साइकिल के लिए मतलब पार्टिकल यहाँ पे है और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। एक साइकिल के लिए अगर हम उस पार्टिकल की पोजीशन जो है डिफरेंट टाइम्स में, अलग अलग टाइम में प्लॉट करें, तो जो हमारे पास कर्व आने वाला है वो कर्व ऐसा कर्व होगा, ठीक है। तो सिंस व्हील जो है वो आगे मूव भी कर रहा है, तो ये जो सर्कल्स हैं ये डिफरेंट टाइम्स में उस व्हील की आपको पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो ज़ूम करते हैं, टी टाइम लगता है एक साइकिल के लिए, तो हम क्या करने वाले हैं उस टी टाइम को चार इक्वल इंटरवल्स में ब्रेक करने वाले हैं, और हर एक इंटरवल के एंड में देखेंगे कि भाई पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से शुरू करता है, टी बाई फोर टाइम के बाद उसकी पोजीशन यहां पे होगी, टी बाई टू टाइम के बाद पोजीशन उसकी यहां पे होगी, थ्री बाई फोर टी के बाद उसकी पोजीशन यहां पे होगी, फाइनली टी के बाद उसकी पोजीशन यहां पे होगी, यानी फाइनली वो नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, और फिर वहां से दोबारा से कर्व दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कॉइन लीजिए, उस पर कोई पॉइंट मार्क कीजिए, उसको रोल करवाइए, देखिए कि भाई आपके पास ऐसा कुछ करवाता है। तो इस कर्व का एक बड़ा अच्छा एनिमेशन जो मैंने विकिपीडिया से डाउनलोड किया आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो कर्व आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये जो कर्व आ रहा है आपके पास, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कर्व को देखो तो बड़ा ब्यूटीफुल था, बड़ा सुंदर कर्व है, लेकिन इस कर्व ने मैथ की हिस्ट्री में बड़ी लड़ाइयाँ करवाई हैं, बड़े बवाल मचाए हैं, और काफ़ी बार इसलिए इसको हेलन ऑफ ज्योमेट्रस बोला जाता है। नाम कहाँ से आया, हेलन ऑफ ट्रॉय से आया। हेलन एक एंशियंट ग्रीक की बड़ी सुंदर लड़की थी, जिसके कारण ट्रोजन वॉर्स वो भी हुई थी। तो सिंस इस कर्व ने भी काफ़ी लड़ाइयाँ करवाई हुई हैं, तो इसको हेलन ऑफ ज्योमेट्रस बोला जाता है। तो जब होपफुली इस केस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में, तो आपको मज़ेदार लड़ाइयों के बारे में बताएंगे। तो अब अगर हम इस पार्टिकल के मोशन को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप देख सकते हैं कि भाई डिफरेंट इंटरवल्स में ये पार्टिकल डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इस इंटरवल में कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, इसमें और इसमें ज़्यादा हो रहा है, और दोबारा से कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। मतलब वेलोसिटी जो है इस पार्टिकल की वो डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट होने वाली है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि भाई जब पार्टिकल यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। कहने का मतलब यह है कि जब रोलिंग मोशन में जो पार्टिकल ग्राउंड को टच कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और ये चीज़ आपको हैरान करनी चाहिए। आप फास्ट से फास्ट चलती हुई गाड़ी को देख लें, कार को देख लें, लेकिन जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता है, और ये बात आपको बड़ी हैरान करनी चाहिए। और उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जो आप इस चलते हुए चक्के व्हील की पिक्चर में देख सकते हैं, तो इस पिक्चर में क्लियरली आप देख सकते हैं जो व्हील का ऊपर वाला हिस्सा है वो काफ़ी ब्लर्ड है, काफ़ी धुंधला है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्लियरली आपको दिख रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नीचे वाले हिस्से से तेज मूव कर रहा होता है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली, और काफ़ी लोग वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो ये कि भाई जब हमने बोला कि भाई ये वाला जो पार्टिकल है ये इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और जो बाकी पार्टिकल्स जो ऊपर हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो तभी केस है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है और ज़मीन पर रोल कर रहा है। अगर मैं इस व्हील को ज़मीन से ऊपर उठा दूँ और उसका रोटेट करवाऊँ तो हर एक पार्टिकल जो रिम पे है उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, इसका ख्याल रखिए आप, ठीक है। तो अगर आप देखो, जब हमने पहले केस की बात की थी, प्योर रोटेशन की बात की थी, हमने आपको बताया था कि भाई जो पार्टिकल एक्सिस पे लाई करता है वो स्टेशनरी होता है, उस केस में मूव नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो पार्टिकल ग्राउंड के टच में है, कॉन्टैक्ट में है, रोलिंग मोशन में, वो पार्टिकल जो होता है वो स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता। एक और बात हम आपको बाद में बताएंगे कि भाई प्योर रोटेशन के केस में क्या होता है,
जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाना शुरू करते हो, पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर जाती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है पार्टिकल की जो सबसे बाहर है। और आप देखो यहाँ पर भी तो वैसा हो रहा है रोलिंग मोशन के केस में, जो पार्टिकल नीचे है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और जैसे जैसे आप दूर जाना शुरू करोगे वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी आपकी। तो कहने का मतलब यह कि भाई रोलिंग मोशन जहाँ भी आपके पास ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का एक ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है प्लस इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेशन हो रहा है, उसको हम बराबर इक्वल मान सकते हैं, किसके, एक प्योर रोटेशन के बराबर मान सकते हैं। लेकिन इस रोटेशन का एक्सिस क्या होगा, एक्सिस होगा ये पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट के अराउंड हम प्योर रोटेशन का केस मान सकते हैं। और ये सुनकर आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, वाह ऐसा भी सोच सकते हैं हम। तो अब तक हमने दो केसेस देख लिए रोटेशनल मोशन के, ठीक है, अब हम तीसरा केस देखेंगे, और ये केस रोटेशनल मोशन का सबसे इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पे जादू टाइप कुछ होता है। तो पहले केस में हमने देखा था जब आपका एक्सिस जो है ये बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, दूसरे केस में रोटेशन तो हो रहा है लेकिन एक्सिस भी मूव कर रहा है। तो तीसरा केस होने वाला है इन दोनों केसेस के बीच में होने वाला है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका एक्सिस का एक पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होगा और बाकी एक्सिस है वो मूव कर सकता है, ऐसे मूव करेगा वो, और इस मोशन को प्रिसेशन बोलते हैं हम लोग। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इस लट्टू, ये टॉप जो है मेरे पास, अगर मैं इसको स्पिन कराऊं एक जगह पे, जो इसका मोशन आने वाला है वो होगा थर्ड केस का मोशन, यानी प्रिसेशन होगा। अपने लट्टू को थोड़ा घुमा लगा, ठीक है, लट्टू हमारा घूमने लगा, ये जैसे देख सकते हैं कि एक्सिस जो है वो मोर ऑर लेस फिक्स्ड ही है, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी मोर ऑर लेस फिक्स्ड ही है, लेकिन कुछ देर के बाद जो नीचे वाला पॉइंट है फिक्स ही रहेगा लेकिन जो एक्सिस है जो वो सर्कल में मूव करना चालू कर देगा। तो अभी सेम चीज़ को हम एक और एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक व्हील है जिसको मैंने ऐसे एक तार के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये कि भाई मैं अगर हाथ को छोड़ दूँ तो क्या होगा, जाहिर सी बात रहेगी कि भाई ये चक्का है जो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण, इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ऐसा कुछ कर सकते हो ताकि जब मैं इस हाथ को छोड़ूं चक्का नीचे ना गिरे, तो आप बोलोगे भाई सठा गए हो क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर चीज़ को ग्रेविटी नीचे खींचती है। तो अब जस्ट मस्ती के लिए इसको रोटेट करते हैं, बंदे ने ग्रेविटी का मजाक बना के रख दिया है, वही नहीं एक और ऐसा वाला रोटेशन चालू हो गया, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे इस प्लेलिस्ट में।